हाँ बच्चों, इस वीडियो में अपन एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है, उसकी वजह से उसकी एक्सिस पे, उसके सेंटर से एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। डिस्क जो होती है वो एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, शीट होती है, तो उसका सारा चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमें दिया जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो बेटा डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें एलिमेंट मानना पड़ेगा, और जो हम एलिमेंट मानेंगे वो एलिमेंट एक रिंग होगी। तो हमने एक रिंग मानी है, एक एलिमेंट। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि ये जो रिंग है इसका चार्ज कितना होगा। ये आपको ब्लू कलर की रिंग दिख रही होगी, इसका रेडियस है आर और इसकी विड्थ है डी आर। तो इसका चार्ज कितना होगा डी क्यू, इसका चार्ज होगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा, 2πrdr, है ना, और ये तो इसका चार्ज आ गया। इसकी वजह से जो फील्ड होती है, रिंग की वजह से जो फील्ड होती है वो होती है k q, q की जगह dq, x अपॉन x स्क्वायर प्लस r, इनफैक्ट छोटा r, क्योंकि रिंग का लिख रहे हैं अपन की पावर 3/2। ठीक है, तो डी ई आ गया के डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू 2πrdr इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, अब जो है डी ई को थोड़ा और ढंग से लिखने के लिए के को लिख देता हूं। के को मैंने लिख दिया 1/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये पाए से पाए, 2 से 2 कैंसिल करके डी ई को लिख दिया सिग्मा बाय 2ε0 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर डी आर। ठीक है, और डायरेक्शन डी ई के ऐसे ही होगी। ठीक है बच्चों, इंटू आर डी आर। अब मैंने क्या करा कि इंटीग्रेट किया, तो जो ई आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा एक्स अपॉन 2ε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर डी आर। तो बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया सिग्मा एक्स अपॉन 2ε0, अंदर बचा आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेटा ये हो गया कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो 2rdr इज इक्वल टू 2zdz। एक बात बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि वेरिएबल एक्स है, एक्स नहीं है आर है, वेरिएबल जो है वो एक्स नहीं है, यहाँ पे आर है। तो ये वैल्यूज रख दिया यहां पर, तो ई आ गया, ई आ गया हमारा सिग्मा एक्स बाय 2ε0 इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह जेड डी जेड, और नीचे जो आएगा वो आएगा जेड क्यूब। तो ई आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2ε0
इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और वन अपॉन जेड स्क्वायर का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस वन अपॉन जेड, ठीक है। और लिमिट अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लिमिट z की लगाएंगे, तो सिग्मा x अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट z जो है वो क्या माना था अपन ने, वन अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और लिमिट जो लगाऊंगा r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट लगेगी 0 टू कैपिटल R, सही है ना। सबसे छोटी जो रिंग होगी वो 0 रेडियस की होगी और सबसे बड़ी रिंग का रेडियस डिस्क के बराबर होगा। तो ये आ गया बेटा सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वन बाय एक्स। ठीक है, और एक माइनस और था वो अपन लेते हुए चल रहे हैं, तो अपन माइनस से साइन पलट देते हैं और एक्स को अंदर ले जाता हूं तो आ गया सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गई बेटा रिंग की ये डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एट सेंटर कितना होगा, एट सेंटर, सेंटर पे एक्स जीरो होगा तो ई सेंटर पे आ जाएगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो अब अगले वीडियो में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लेके आता हूँ। थैंक यू।